नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्हाट और व्हाई में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बताने वाले हैं पानी क्या है और पानी क्यों है इंसानों के लिए जरूरी। तो चलते हैं व्हाट पे। जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना किसी भी जीवधारी का जीवन यापन करना संभव नहीं है। विज्ञान की भाषा में यदि कहें तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें 97% जल तो समुद्र और सागर के रूप में उपस्थित है। समुद्र और सागर का जल खारा, जिसको सॉल्टी वाटर कहते हैं, जिसे हम अपने उपयोग में नहीं ला सकते। इस प्रकार केवल 3% जल ही फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध होता है। इस 3% से जल में लगभग 2.997% जल आइस केप तक ग्लेशियर के रूप में उपस्थित है और इसे भी हम सीधे उपयोग में नहीं ला सकते। तो अब हमारे पास उपयोग में लाने योग्य जो पानी है वो बचा मात्र 0.003%, जो कि ग्राउंड वाटर, नदियाँ, झील, भाप, झरनों आदि के रूप में हमें उपलब्ध होता है। इसी कारण से हमें जल की कमी से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जल की मात्रा तो बहुत है परंतु हमारे लिए जो जल उपयोगी है वो बहुत कम है। तो चलिए आते हैं वाय। इंसानों के लिए पानी कितना जरूरी है। पानी न सिर्फ मनुष्य की बाहरी सफाई के लिए जरूरी है बल्कि शरीर के अंदर की सफाई के लिए भी पानी बेहद आवश्यक है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी पानी ही करता है। मनुष्य के शरीर के अधिकतर अंगों में पानी पाया जाता है। बेहद कम लोग जानते होंगे लेकिन ठोस और कड़ी महसूस होने वाली हमारी हड्डियों में भी 22% पानी होता है। हमारे दांतों में 10%, हमारे स्किन में 20%, हमारे दिमाग में 74.5%, हमारे मांसपेशियों में 75.6%, जबकि खून में 83% पानी होता है। रिसर्चर के मुताबिक एक इंसान बिना भोजन के 15 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए वह 5वें दिन उसकी मौत हो जाएगी। प्यास लगने के पीछे का गणित भी यही है कि जैसे ही हमारे शरीर में 1% भी पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगने लगती है। जब ये कमी 5% तक पहुंच जाती है तो शरीर की नसें खींचने लगती है और स्टेमिना में कमी महसूस होने लगती है। अगर पानी की कमी आपकी 10% तक पहुंच जाती है तो इंसान को धुंधला दिखाई देने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। शरीर में पानी की कमी 20% हो जाने पर इंसान की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी बेहद जरूरी है, इसलिए ही शरीर में समय समय पर प्यास लगने का ये मैकेनिज्म विकसित हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।